आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सबसे पहले मेरी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ओवरवेलम हुआ कि मुझे इस खजाना के ज़रिए इतने बड़े कॉज के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी बात कि मैं गज़लों का बहुत चाहक हूँ, क्योंकि मैं अपनी गज़ल गायकी शुरू की गज़ल गायकी से इम्प्रेस होकर, और मुझे एक बार फिर से दोबारा गज़लों को गाने का मौका मिल रहा है। ऐसे हम फिल्मों के गाने गाते हैं, प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, लेकिन हमारा जो टेस्ट है वो थोड़ा गज़ल गायकी की तरफ है। बड़ी खुशी है कि मैंने दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे एक साथ मिल रहा है, और मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ खजाना का। मैं शुक्रगुजार हूँ इस पूरी टीम का, पंकज जी का स्पेशली, कि उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे इस खजाना फैमिली का हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। और ये छोटे बच्चे जो कि किस तरह से सामने आते हैं, क्या कुछ फील करते हैं? ऑफकोर्स देखिए ना, जो बच्चे रहते हैं ना, उनको किसी का खौफ नहीं रहता, किसी का भी कोई डर नहीं रहता कि हम अच्छा गाएंगे या बुरा गाएंगे। वो जैसा भी गाते हैं, लोगों को मज़ा आता है। और स्पेशली जो इस तरह के बच्चे के जो बहुत टैलेंटेड है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक यंग हमारी जो जनरेशन है, जो छोटी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है हमारी, वो इस तरफ अग्रसर है। इस मैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ इसको ऐसा ना समझे कि ना गज़ल गायकी, मतलब जैसे पंकज जी ने कहा कि बूढ़े लोग गाते हैं और ना थोड़ा सा एजेड लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है। यंगस्टर्स को आप सुने तो आपको आपके आपको एक नशा महसूस होगा इस चीज़ का, तो अगर आप सुनेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो वही बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगता है कि गज़ल गायकी प्लस इतने बड़े कॉज के लिए काम हो रहा है। तो आप प्लीज़ इसको सुने और इसका मज़ा उठाएँ। जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होता है। जी अभी फ़िलहाल तो मेरा रिलीज़ हुआ था, अभी बेजुबानिश का टाइटल सॉन्ग आया था। अभी मैंने बजरंगी भाईजान का एक गाना गाया है, तू जो मिला, बहुत आप सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा, आपने सुना होगा आपको। तू जो मिला देखना ना मुड़के, ये गाने मैंने गाए हैं इस फिल्म के अंदर। फिलहाल ये